हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज ये न्यू ईयर में मेरा पहला वीडियो है, तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्षों की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ए फैबुलस न्यू ईयर। होप जॉय एंड सक्सेस फॉलोज यू इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ इन दिस न्यू ईयर। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है स्टेनर, हाउ टू ड्रॉ इंडस्ट्रियल स्टेनर। इंडस्ट्री में जो स्टेनर यूज होता है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे और वो कैसे वर्क करते हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि मैं बीओई के एग्जाम के रिलेटेड और पावर प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जो आपको काफी हेल्प करेगा पावर प्लांट में एंड ऑल्सो बीओई एग्जाम क्रैक करने में। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज स्टेनर। ना स्टेनर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए पाइपिंग सिस्टम व्हिच इज नॉर्मली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू डॉट पार्टिकल्स और एनी अदर फॉरेन मटेरियल्स व्हिच इज कैरिड अवे बाय द प्रोसेस फ्लूइड। तो स्टेनर के अंदर से जो भी प्रोसेस फ्लूइड जाता है तो वहां पर जो स्टेनर या मेस प्रोवाइड होता है तो वहां पर आपका जो डॉट पार्टिकल्स है और जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो कलेक्ट हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, जो मेन इक्विपमेंट है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो नॉर्मली आपका जो स्टेनर होता है वो पंपिंग सिस्टम के सक्शन साइड में, जहां पर लो प्रेशर साइड रहता है, तो वहां पर यूज होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है ना, जो भी आपका मेन इक्विपमेंट है या जो पंप्स है तो वो आपका सेफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका डेब्रिज रहेगा या फॉरेन पार्टिकल रहेगा या आपका जो डार्ट पार्टिकल्स रहेगा वो स्टेनर में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका मेन पार्ट क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो टाइप का स्टेनर का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग किया, एक वाई टाइप स्टेनर एंड दूसरा बास्केट टाइप स्टेनर। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में ये दोनों का काफी ज्यादा यूजेस है। तो चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ये आपका वाई टाइप स्टेनर है, ऐसे ये वाई शेप में है इसलिए इसको वाई टाइप स्टेनर कहा जाता है। तो इस साइड से इसका इनलेट फ्लो है और इधर आउटलेट है और यहां पर ऐसे इंक्लाइंड में आपका जो मेन स्क्रीन है या मेस है या स्टेनर है वो इंस्टॉल होता है। तो जब यहां पर प्रोसेस फ्लूइड जाता है तो उस टाइम उसके अंदर जो भी डॉट पार्टिकल्स होगा या जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगा और ऐसे नीचे आ जाएगा और जो फिल्टर वाटर हो जाएगा उसके बाद वो आउटलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो भी डॉट पार्टिकल्स जमा होगा उसको आप बीच बीच में क्लीन कर सकते हैं बाय ड्रेन प्लग। तो इसलिए इस यहाँ पर एक नीचे ड्रेन प्लग दिया रहता है, ठीक है, इसको आप खोल के इसको पीरियडिकली ड्रेन कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा स्टेनर का क्लीनिंग करना है तो उसके लिए यहाँ पर फ्लैश दिया हुआ है जो बोल्टिंग रहता है, तो उसको खोल के आप ये पूरा स्टेनर निकल के इसको अंदर से पूरा क्लीन करके वापस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी सिंपल है। तो चलिए अभी इसका जो भी मेन पार्ट से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे नंबरिंग किया तो आप भी ड्राइंग पेपर में ऐसे नंबरिंग कीजिए, यहाँ पर ऐसे करके स्क्रीन या मेज ऐसे मत लिखिए। जैसे मैंने नंबरिंग किया, जैसे ये वन है, ये टू थ्री फोर फाइव, तो आप ऐसे एरो मार्क करके यहाँ पर नंबरिंग कीजिए और साइड में ऐसे एक कलम बनाइए, उसमें सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी डालिए। आप इंडस्ट्री में देखिएगा जो भी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है कोई भी इक्विपमेंट या कंपोनेंट का, तो उसमें ऐसे बिल ऑफ मटेरियल साइड में दिया रहता है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जिसको हम लोग जीए ड्राइंग बोलते हैं, तो उसमें ऐसे सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी दिया रहता है। तो जैसे ये वन दिया तो ये आपका स्क्रीन है, तो ऐसे स्क्रीन है और क्वांटिटी कितना है एक, वो भी साइड में लिखिए। जैसे ये फास्टनर है, ये क्वांटिटी कितना है, ये ज्यादा भी हो सकता है, सिक्स या एट एज पर साइज, तो एज रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखिए। उसके बाद जैसे ये तीन नंबर ये ड्रेन प्लग है वो एक ही है, चार नंबर ये कवर है तो लिखिए कवर एक, फिर जो पांच नंबर है वो बॉडी फ्लेंज है एक, ठीक है। तो ऐसे आप चार्ट बनाइए तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा ड्रॉइंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में। तो बस ये एक सिंपल सा वाई टाइप का स्टेनर का है और कभी कभी ड्राइंग पेपर में आपको ऐसा दिया रहेगा कि आप दो इंच का वाई टाइप स्टेनर ड्रॉ करके दिखाइए या चार इंच का,
तो वो कैसे करेंगे, ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज वो 2 इंच है, ठीक है। तो ये आप 2 इंच ले लीजिए या 4 इंच आएगा तो 4 इंच कर दीजिए और बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि आप जब ड्राइंग करेंगे तो 2 इंच के हिसाब से ये कितना लेंथ होगा ये शायद आपको याद नहीं रहेगा, तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद खाली ये जो 2 इंच होगा या 4 इंच होगा उसको परफेक्टली करना है, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया। तो ऐसा टाइप का ड्राइंग अगर आया बीओई एग्जाम के ड्राइंग पेपर में तो इसको जरूर अटेंड करके आना है, क्योंकि ये आपको बीओई के ड्राइंग पेपर में पास मार्क गेन करने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं ये बास्केट टाइप स्ट्रेनर। तो ये भी आपका काफी ज्यादा यूजेस है, जैसे आपका बॉयलर फिट पंप उसका सेक्शन में लगा रहता है, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप उसके सेक्शन में लगा रहता है, जो सीएपी है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप उसके सेक्शन में भी ऐसा लगा रहता है, जहां पर जो आपका फ्लो ज्यादा है तो वहां पर उसके सेक्शन में आपका ये बस्केट टाइप स्ट्रेनर लगा रहेगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है, ठीक है। ये बस्केट टाइप का स्ट्रेनर ऐसा नहीं हो सकता है, जहां पर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर ये इंस्टॉल होगा। ओके, तो इसमें भी इस साइड से इनलेट है और ये वर्टिकल में आपका जो मेन स्ट्रेनर या मेस है वो ऐसे रहेगा और इधर से आउटलेट है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको यहां से यहाँ पर ड्रेन प्लग भी दिया हुआ है और आउटलेट में वाल्व भी रहता है, ठीक है। तो वहां से आपको कभी कभी जो ड्रेन प्लग है उसको खोल के निकालना पड़ता है, और नहीं तो इसको पूरा अगर क्लीन करना है तो ऊपर में ऐसे फ्लेंज कवर है, ये बोल्टिंग रहता है, कभी कभी आपका ऐसे हिंज सपोर्टेड भी रहता है, बट आप ऐसे सिंपल ड्रॉइंग कीजिए तो ये भी आपको चलेगा, ये भी आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो ये फ्लेंज खोल के ये स्ट्रेनर को ऐसे निकाल के आप क्लीन करके वापस डाल सकते हैं, ठीक है। और बस्केट टाइप का स्ट्रेनर में आपका डीपी गेज रहता है, ठीक है, इधर एक पॉइंट और एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज रहेगा, तो जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि ये आपका जो स्ट्रेनर है वो चोक हो गया कि नहीं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जहां पर हेवी प्रोसेस फ्लूइड है उसके सेक्शन में ये लगा रहता है, क्योंकि आपका मेनली जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉरेन पार्टिकल्स एंड जो डार्ट पार्टिकल्स है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ड्रेन वाल्व भी रहता है और इधर से वेंट वाल्व भी रहता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे एक वाल्व और इधर एक वाल्व, मैनुअल आइसोलेशन वाल्व MIV, ठीक है। तो ये एक सिंपल ड्रॉइंग है और ये फ्लैंज रहता है, ये जो पाइप है उसके फ्लैंज के साथ बोल्टिंग होता है। ओके, वाई टाइप का स्ट्रेनर का ड्रॉइंग बीओई एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स प्रीवियसली आया हुआ है, और बट ये जो बस्केट टाइप स्ट्रेनर है ये आया नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, तो ये कभी भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये एडिशनली ड्रॉ करके दिखाया। तो बस यही आपका बस्केट टाइप का स्ट्रेनर था, और इसमें भी आपको ऐसे नंबरिंग करना है जो भी पार्ट है, जैसे ये आपका स्क्रीन है या मेस है या स्ट्रेनर है, और ये कवर है, ये ऊपर में एक प्लग दिया हुआ है, ये आपका बॉडी का फ्लेंज है, ये फास्टनर है, और ये ड्रेन प्लग है, ठीक है, और ये आपका डी सेंड है, ये 2 नंबर। तो ऐसे जो नंबरिंग किया हुआ है ऐसे आप नंबरिंग कीजिए और सेम एक बिल ऑफ मटेरियल बनाइए, एक उसमें सीरियल नंबर आइटम डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी दीजिए और ऐसे ड्राइंग कीजिए, ठीक है। ये आपको एक देखने में भी अच्छा लग रहा है और ऐसे टाइप का ड्राइंग करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा। तो आई होप ये दोनों वाई टाइप स्ट्रेनर एंड जो बास्केट टाइप स्ट्रेनर है ये क्लियर हो चुका है और मैंने आपको अच्छे से ड्राइंग करके भी दिखाया, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग पेपर में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता ही है। तो आई होप आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था और आपको पसंद आया। अगर इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक एंड कॉमेंट इन माई वीडियोज, आपका लाइक और कॉमेंट से मुझे पता चलता है मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन कोर्सेस करा रहा हूँ जो है हाउ टू क्रैक बीओई एग्जाम, तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मैं डिसीजन बॉक्स में वो पूरा डिटेल्स दे दूंगा, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं।
और प्लीज मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।